नमस्कार, नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। जय महाराष्ट्र जनरल व राष्ट्रीय माथाड़ी कामगार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप राय और प्रकाश जाधव के मार्गदर्शन में एवं नागपुर जिला प्रमुख विनोद कल्याणी, महिला विंग की जिला अध्यक्ष सोनाली कल्याणी, महिला विंग वाड़ी की अध्यक्ष अश्विनी निम्बलकर के नेतृत्व में कामगार दिवस के उपलक्ष में अजनी पुलिस थाने में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और पुलिस कर्मियों में छाछ का वितरण किया गया। इस अवसर पर ग्लोबल इंटरनेशनल के अध्यक्ष मनीषा ठाकरे, जयराम टेके, एकता फाउंडेशन के अध्यक्ष सुमित लिल्लारे, पीयूष मेश्राम समेत बड़ी संख्या में इन सभी संस्थाओं के पदाधिकारीगण उपस्थित थे। इंटेक नागपुर चैप्टर ने हाल ही में मनोरमा मुंडले कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर में एक हेरिटेज क्लब की स्थापना की। यह अध्याय का 14वां हेरिटेज क्लब है। सदस्य बनने वाले छात्रों को हेरिटेज क्लब बैज और एक न्यूज़लेटर दिया गया। डॉक्टर अविनाश देशमुख, डॉक्टर प्रतिमा ढोके और डॉक्टर नीता लांबे ने क्लब के सदस्यों को संबोधित किया। डॉक्टर मधुरा राठौड़ ने मूर्त और अमूर्त विरासत दोनों को संरक्षित करने के लिए युवा पीढ़ी की भूमिका पर जोर दिया। आर नीतिका रामानी, सहसंयोजक इंटेक नागपुर चैप्टर द्वारा विरासत समारोह के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। आर स्नेहा बोधनकर समन्वयक थी। स्कूलों और कॉलेजों में हेरिटेज क्लब स्थापित करने का विचार इंटेक नागपुर चैप्टर द्वारा शुरू किया गया था, ताकि युवा पीढ़ी को अपने इलाके, राज्य और देश में प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि के बारे में जागरूक और गौरवान्वित किया जा सके। हाल ही में संपूर्ण ताजबाग परिसर सहित पूरे नागपुर शहर में शांतिपूर्ण वातावरण में ईद उल फितर मनाया गया। शांतिपूर्ण तरीके से ईद उल फितर मनाए जाने से पुलिस विभाग भी खुश नजर आई। आजकल जिस तरह से राजनीतिक नेताओं द्वारा हरकतें, बयानबाजी की जा रही है, उसका विपरीत असर समाज पर पड़ रहा है। पुलिस विभाग सारी साजिशों से अवगत है, इसलिए किसी भी अनहोनी को टालने के लिए शहर के तमाम पुलिसकर्मी एक्शन मोड में थे। एकता, भाईचारे और परस्पर विश्वास के भाव को कायम रखने के लिए पुलिस विभाग ने विशेष पहल की। ईद उल फितर की नमाज पढ़कर जब मुस्लिम धर्मावलंबी बाहर निकल रहे थे, तो उनको पुष्प देकर बड़े आला अधिकारियों ने स्वागत किया। ताजबाग स्थित शाही मस्जिद के बाहर स्वयं पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने मुस्लिम धर्मगुरु सज्जादा नशीन साहब जादे को पुष्प देकर मुबारकबाद दी और कहा कि नागपुर शहर शांति और सद्भाव के लिए देश में जाना जाता है। यह सांप्रदायिकता पर सौहार्द भारी पड़ता है, क्योंकि नागपुर हजरत ताजुद्दीन बाबा का स्थान है। सर्वधर्म समभाव की हवा यहीं से निकलती है। इसी एकता, सद्भाव और प्रेम की विरासत को ताजुद्दीन बाबा के वंशजों ने आगे बढ़ाया है। संस्कार और व्यक्तित्व विकास के माध्यम से आदर्श विद्यार्थी, आदर्श विद्यार्थी से सक्षम समाज और सक्षम समाज से राष्ट्र और देशभक्ति का निर्माण होता है। यही संस्कार विद्यार्थियों को देने का कार्य, उनके व्यक्तिमत्व विकास करने का कार्य पिछले कई वर्षों से नागपुर की अस्तित्व फाउंडेशन सामाजिक संस्था कर रही है। इस शिविर के प्रशिक्षु डॉक्टर और इंजीनियर बनने के मार्ग पर है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 1 मई से कुंदनलाल गुप्ता नगर में यह शिविर चल रहा है। हर रोज सुबह 6 बजे से 10:30 बजे तक बच्चों को योग, प्राणायाम, शिक्षा का महत्व, खेलकूद, पर्यावरण, सामान्य ज्ञान, अंधश्रद्धा निर्मूलन, रहन सहन, बातचीत का तरीका आदि विविध विषयों पर मान्यवरों द्वारा मार्गदर्शन किया जा रहा है। अस्तित्व फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष प्रकाश शेड़ाऊ की संकल्पना से शिविर की संचारिका एवं सामाजिक कार्यकर्ता मंजू प्रकाश शेड़ाऊ के मार्गदर्शन एवं देखरेख में यह शिविर सुचारू रूप से चल रहा है। बच्चों को खेल की भावना के माध्यम से विभिन्न गुणों को विकसित करने के लिए विविध विषयों पर मार्गदर्शन के लिए योग शिक्षक प्रशांत जीपकाटे, योग शिक्षिका मेघना चेंडगे, प्राध्यापक शंकरराव वानखेड़े गुरुजी आदि मान्यवरों द्वारा शिक्षा दान एवं अभ्यास कार्य का संचालन किया जा रहा है। प्रभाग 28 के गाड़गे बाबा नगर, रतन नगर, न्यू गाड़गे नगर, डायमंड नगर, भाग्यश्री नगर, सहकार नगर, धन्वंतरी नगर, आदर्श नगर, रमना मारुति, ईश्वर नगर, कामगार नगर, डायमंड नगर, न्यू डायमंड नगर, संकल्प नगर, गोपाल कृष्ण नगर, विजयलक्ष्मी पंडित नगर, खरबी रोड परिसर, शक्ति माता नगर, संकल्प नगर, विद्यानगर जैसे तमाम इलाकों में पिछले 15 दिन से पानी की भीषण समस्या उत्पन्न हुई है। लोगों को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। इस समस्या की जानकारी लोगों ने इस परिसर के सामाजिक कार्यकर्ता परमेश्वर राउत को दी। परमेश्वर राउत ने परिसर का दौरा करके पानी की समस्या का जल्द से जल्द निराकरण करने हेतु संबंधित मनपा अधिकारी को इस मसले से अवगत कराया। मनपा के जल प्रदाय अधिकारी नायक कुमार ने इस परिसर का दौरा कर जल समस्या के बारे में जानकारी हासिल की थी। फिर भी इस परिसर में जल संकट की समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। पिछले साल कोरोना गाइडलाइन की वजह से कर्मचारी कम तादाद में होने के बावजूद जल संकट उत्पन्न नहीं हुआ, लेकिन इस साल ऐसा क्यों हो रहा है, यह समझ से परे है।
ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने कहा कि केंद्र सरकार नया बिजली कानून लाकर ऊर्जा क्षेत्र के निजीकरण का प्रयास कर रही है। राज्य की तीनों बिजली कंपनियों को आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाकर केंद्र की इस साजिश को सफल न होने दे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कोयला आपूर्ति का संकट होने के बावजूद अखंडित बिजली शुरू कर राज्य को लोड शेडिंग से मुक्त रखने के लिए सभी का प्रयास सराहनीय है। राउत सबऑर्डिनेट इंजीनियर्स एसोसिएशन के स्वर्ण महोत्सव समारोह में बतौर प्रमुख अतिथि बोल रहे थे। इस दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष केदार रेडिकर, संजय ठाकुर, संतोष कुमकर, सुनील जगताप, महावितरण के प्रादेशिक संचालक सुहास रंगारी, अधीक्षक अभियंता अमित परांजपे आदि मान्यवर उपस्थित थे। कोरोना काल और प्राकृतिक आपदाओं में भी सभी अभियंताओं और कर्मचारियों ने खुद की जान को जोखिम में डालकर काम किया। 250 कर्मचारी शहीद भी हुए। प्राकृतिक आपदा से मुंबई कुछ समय अंधेरे में रही। तूफान, बारिश, ओलावृष्टि, बाढ़ आदि की मुसीबत का सामना करते हुए हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों ने जनता की सेवा की। इसके लिए पूरे स्टाफ की जितनी सराहना की जाए वह कम है। राउत ने कहा कि एसोसिएशन की कुछ मांगे हैं, चर्चा के माध्यम से रास्ता निकालने का मेरा प्रयास जारी रहेगा। मनपा की ओर से मोमिनपुरा में संचालित बकरा मंडी की इमारत बनाए जाने को भले ही 20 से 25 वर्ष हो चुके हो, लेकिन कुछ स्थानों से न केवल प्लास्टर उखड़ गया बल्कि लोहे की सरिया भी बाहर निकल रही है। इसके अलावा फ्लोरिंग की हालत भी जर्जर होने के कारण जहां तहां गंदगी का माहौल फैला रहता है। अतः इसका नवीनीकरण करने की मांग हिंदू मुस्लिम खटिक समाज संगठन ने मनपा से की। इस संदर्भ में संगठन की ओर से मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी, स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गजेंद्र महल्ले और जोनल अधिकारी को भी पत्र सौंपा गया। संगठन के सचिव रिंकू हिकरे ने कहा कि पूरी इमारत ही जर्जर हो चुकी है, अतः इमारत को तोड़कर आधुनिक मार्केट तैयार किया जाना चाहिए। लगभग 5000 वर्ग फुट की इस इमारत में मनपा ने व्यवसाय के लिए 35 के करीब दुकानदारों को लाइसेंस दिया है, लेकिन अब जगह कम पड़ने लगी है। यदि आधुनिक मार्केट तैयार किया गया तो अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। हिकरे ने कहा कि छत की हालत काफी खराब है। कत्तलखाना में अधिक समय पानी का उपयोग होने के कारण इमारत केवल 25 वर्षों में ही खराब हो चुकी है। यातायात पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल मिलाकर 1408 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और उनसे कुल मिलाकर 3,47,000 रुपए का जुर्माना वसूला। इसी तरह मुंबई शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत 11 मामलों में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 1300 रुपए का सामान जब्त किया गया है। उपरोक्त सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किए गए थे। ट्रैफिक विभाग ने यह आह्वान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखें। महंगाई की मार अब बेकाबू हो चली है। पेट्रोल और डीजल के सहारे अब महंगाई की मार रसोई तक पहुंच गई है, तो वही मालवाहक वाहनों ने किराया बढ़ा दिया है। इससे सब्जियों के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। सब्जियों की बढ़ती कीमतें मुश्किल बढ़ती जा रही है। अब तो थाली से हरी सब्जियां गायब होती जा रही है। दो सप्ताह पहले 40 रुपए बिकने वाली भिंडी का दाम बढ़कर 60 से 70 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। वहीं टमाटर तो इसमें एक कदम और आगे बढ़ते हुए 80 रुपए प्रति किलो पर जा पहुंचा है। फूलगोभी, बरबटी फली, गवार, करेला, शिमला, टिंडा सहित अन्य सब्जियां चिल्लर बाजार में 60 से 80 रुपए प्रति किलो बिक रही है। थोक में ही दाम काफी बढ़ जाने से इसका असर चिल्लर बाजार पर भी पड़ रहा है। महंगी सब्जियों को लेकर गृहिणियों का कहना है कि पहले से ही गैस महंगा होने से घर का बजट बिगड़ा हुआ था, अब सब्जी की महंगाई देखकर समझ नहीं आ रहा है कि घर कैसे संभाले। एक दिन पहले ही आरबीआई ने अचानक प्रमुख नीतिगत दर रेपो में 0.4% की बढ़ोतरी कर जहां महंगाई भड़काते हुए निम्न व मध्यम वर्ग पर बोझ बढ़ा दिया है, वही सब्जी हो या तेल, आटा हो या दूध, सभी के बढ़ते दाम कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार शहर के तापमान में कमी आई, लेकिन कड़ी धूप की तपन ने नागरिकों को हलाकान कर रखा है। वही देर रात गर्म हवाओं का दौर जारी है। बुधवार को शहर का अधिक तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मंगलवार को 43.4 डिग्री सेल्सियस था। हालांकि न्यूनतम तापमान में अधिक अंतर नहीं आया। एक दिन पहले 25.4 डिग्री सेल्सियस के मुकाबले 25.2 डिग्री सेल्सियस रहा। ज्ञात हो कि मौसम विभाग ने 5 से 9 मई के बीच बादल छाए रहने और तापमान घटने की भविष्यवाणी की है। हालांकि पिछले 3 दिनों से ही शहर में दिन के तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन धूप का सितम जारी है। बुधवार को भी लोग कड़ी धूप की चटक और पसीने से हलाकान नजर आए। नागपुर के अलावा विदर्भ में भी तापमान में हल्की गिरावट देखी गई। बावजूद इसके वाशिम और अकोला सबसे अधिक तपे। दोनों शहरों का अधिकतम का तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान में अकोला में 29.9 और वाशिम में 26.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले 6 दिनों में शहर के तापमान में करीब 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है।
नरेंद्र नगर के कंटेनर डिपो परिसर में मंगलवार की रात 9:30 बजे एक रेड सैंड बुआ सांप मिला। इस सांप के दोनों ओर मुंह दिखाई देने से स्थानीय लोग आश्चर्य में पड़ गए। इसी दौरान अजनी थाने के पुलिस कांस्टेबल राहुल शिंदे लोगों की भीड़ देखकर घटनास्थल पर पहुंच गए। शिंदे ने तत्काल वाइल्ड लाइफ वेलफेयर सोसाइटी के लकी खलोड़े व नीतीश भांदककर को सूचना दी। दोनों सर्प मित्रों ने घटनास्थल पर पहुंचकर सांप को रेस्क्यू किया। रेड सैंड बुआ सांप को स्थानीय भाषा में मांडल सर्प कहा जाता है। इस सांप की खासियत यह है कि उसका पूंछ वाला हिस्सा भी मुंह की तरह दिखाई देता है। इसे अजनी पुलिस थाने में रखकर वन विभाग को सूचित किया, जिसके बाद वन कर्मचारियों की टीम पहुंचने पर सांप को उनके सुपुर्द कर दिया गया। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार द्वारा किए गए कानून में संशोधन के बाद लंबे समय तक के लिए चुनाव अटके रहने की अटकलें लगाई जा रही थी। यहां तक कि कुछ महानगर पालिकाओं में प्रशासक की नियुक्ति होने के बाद चुनावी सरगर्मियां ही बंद हो गई थी, किंतु अब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के बाद फिर एक बार चुनाव लड़ने के इच्छुकों में उम्मीद जागी है। सुको के आदेश की खबर उजागर होते ही भले ही कई तरह के कयास लगाए जा रहे हो, लेकिन अब राज्य चुनाव आयोग के कदम पर राजनीतिक दलों की नजरें टिकी हुई है। जानकारों के अनुसार 11 मार्च 2022 को राज्य सरकार की ओर से किए गए संशोधन के पहले तक राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव की तैयारियों में कुछ पड़ाव पार कर लिए थे। केवल 3 सदस्यीय प्रभाग रचना की अंतिम घोषणा करनी बाकी थी। इसी बीच राज्य सरकार ने कानून में ही संशोधन कर इसके अधिकार अपने पास ले लिए थे। साथ ही चुनाव आयोग द्वारा की गई प्रक्रिया को भी निरस्त कर दिया था, जिससे चुनावी गतिविधियां थम गई थी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बुधवार को दिए गए आदेशों को लेकर विधि के जानकारों के अनुसार जब तक राज्य सरकार नई प्रभाग रचना को लेकर कोई निर्णय नहीं लेती, तब तक चुनाव आयोग इन आदेशों के अनुसार अपनी प्रक्रिया शुरू कर सकता है। प्रवर्तन निदेशालय ने उके बंधुओं के खिलाफ कार्रवाई कर गिरफ्तार किया। बंधुओं ने इसे गैरकानूनी बताते हुए रोक लगाने की मांग की। मुंबई की विशेष अदालत में याचिका दायर की थी। यहां तक कि याचिका में इस मामले को नागपुर स्थानांतरित करने के आदेश देने का अनुरोध भी अदालत से किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने उके बंधुओं की न केवल शिकायत निरस्त कर दी, बल्कि मामला स्थानांतरित करने से भी साफ इनकार कर दिया। प्रदीप उके द्वारा दायर अर्जी में कोर्ट के अधिकारों पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया। अर्जी में कहा गया कि यह मामला इस कोर्ट के दायरे में नहीं आता है, अतः तुरंत रिहाई करने के आदेश देने की मांग की गई। इसी तरह से सतीश उके ने अर्जी में बताया कि केंद्र सरकार की ओर से 5 फरवरी 2016 को एक आदेश जारी किया था, जिसके अनुसार इस मामले को स्थानांतरित करने के आदेश देने का अनुरोध किया गया था। सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि कोर्ट के दायरे को लेकर याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति दर्ज की है। ईडी इस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है। यहां तक कि नागपुर में पंजीकृत अपराध में भी मुंबई में मामला दायर कर इसकी जांच के लिए ईडी सक्षम है। देश के कई राज्यों में बिजली संकट विकराल होता जा रहा है। वहीं नागपुर सहित महाराष्ट्र को मौसम का साथ मिलने से महावितरण की चुनौती आसान होती जा रही है। महावितरण की तरफ से एक दिन में 3 बार बिजली की डिमांड निकाली जाती है। शाम को जिस तेजी से बिजली की डिमांड कम होते जा रही है, उससे महावितरण बहुत राहत महसूस कर रहा है। मंगलवार शाम को बिजली की डिमांड राज्य में 20,131 मेगावाट रही। नागपुर सहित राज्य में कई जगह बूंदाबांदी व शाम को तेज हवा चलने से गर्मी में आई कमी का सीधा असर बिजली की खपत पर हो रहा है। मंगलवार को मुंबई छोड़कर राज्य की बिजली की जो खपत रही, उसमें कमी आई है। दोपहर में बिजली की डिमांड जहां 24,306 मेगावाट थी, वही शाम को इसमें जबरदस्त कमी आई। शाम को बिजली की डिमांड 20,131 मेगावाट रही। सोमवार की बात करें तो सुबह बिजली की डिमांड 23,254 मेगावाट, दिन में 24,008 मेगावाट व शाम को 21,333 मेगावाट हुई थी। तेज हवा चलने व आसमान में बादल छाने से बिजली का कंजम्पशन कम होता है और इस कारण डिमांड नीचे आ जाती है। समाज में जनस्वास्थ्य का संवर्धन नर्सेस पर अवलंबन है। नर्सेस यह जनस्वास्थ्य की रीढ़ है। कोरोना कालावधि में नर्सेस ने किए कार्य प्रेरणादायी है। नर्सेस सेवा सर्वश्रेष्ठ सेवा है, यह कोरोना अवधि में सिद्ध हुआ है। नर्सेस विद्यार्थी नर्सिंग पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होकर समाज सेवा करे, यह विचार अतिरिक्त जिलाधिकारी धनाजी पाटिल ने व्यक्त किए। धनोरा तहसील के चातगांव में स्थित डॉक्टर सालवे नर्सिंग कॉलेज में रविवार 1 मई और सोमवार को टैलेंट कॉन्टेस्ट, नृत्य स्पर्धा, स्वास्थ्य जांच, औषध वितरण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के उद्घाटन कार्यक्रम में वह बोल रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला नियोजन समिति गढ़चिरौली के राम मेशराम ने कहा कि नर्सेस यह त्याग मूर्ति है, उनके सेवा से ही सामाजिक स्वास्थ्य संतुलन संभाला जा रहा है। स्वास्थ्य सेवा में नर्सेस का कार्य उल्लेखनीय है। डॉक्टर सालवे नर्सिंग कॉलेज से जिले की स्वास्थ्य सेवा को बल मिला है।
इस कॉलेज से अनेक आदिवासी पिछड़ा वर्गीय विद्यार्थियों का जीवन स्तर ऊंचा हुआ है। संस्थापक अध्यक्ष डॉ. प्रमोद सालवे ने कहा कि विद्यार्थियों की कला कौशल को बढ़ावा देने तथा सामाजिक कार्यक्रम के माध्यम से समाज प्रबोधन करने के उद्देश्य से स्टूडेंट नर्सेस एसोसिएशन ने कार्यक्रम का आयोजन किया। संचालन एसोसिएशन की अध्यक्ष निकिता सड़मेक ने किया। प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद स्वयं आत्मविश्वास, ताकत, कौशल के भरोसे व्यवसाय निर्माण करें। सरकारी लाभ अनुदान की अपेक्षा रखे बिना स्वयं के बलबूते व्यवसाय निर्माण करें। इस आशय के विचार कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ डॉक्टर विक्रम कदम ने व्यक्त किए। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित बैंक ऑफ इंडिया स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान RCT द्वारा आयोजित 10 दिवसीय कुक्कुट पालन प्रशिक्षण के समारोह कार्यक्रम में वह बोल रहे थे। कार्यक्रम में संस्था के संचालक चेतन वैद्य, कार्यक्रम समन्वयक हेमंत मेश्राम, पुरुषोत्तम कुंघाड़कर, पुंडलिक काटकर, भूषण मेश्राम, कुकुट पालन प्रशिक्षण की मार्गदर्शिका हर्षाला भांडेकर समेत प्रशिक्षणार्थी उपस्थित थे। प्रशिक्षणार्थियों की लिखित व मौखिक परीक्षा ली गई। वही परीक्षा में सफलता प्राप्त सभी प्रशिक्षणार्थियों को अतिथियों के हाथों प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। संचालन कार्यक्रम समन्वयक हेमंत मेश्राम ने किया तथा आभार पुरुषोत्तम कुंघाड़कर ने माना। केंद्रीय सड़क निधि अंतर्गत फुटाला परिसर में सड़कों का पुनर्निर्माण कार्य महामेट्रो की ओर से तेजी से जारी है। 90% निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इस निर्माण कार्य के बाद फुटाला तालाब ने मानो खुलकर सांस ली है। स्थानीय नागरिक भी इसको लेकर काफी उत्साहित है। सेवानिवृत्त पुलिस बहुजन परिवार बहुउद्देशीय विकास संगठन द्वारा विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती और महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती का कार्यक्रम पुलिस मुख्यालय अलंकार बहुउद्देशीय हॉल में आयोजित। कार्यक्रम में पुलिस अधिकारी जीवराज दाबाड़े, राजरत्न बनसोड़, साहेबराव जाधव, भरत ठाकरे, राजकमल वाघमारे, किशोर नगराले, मनोज कालबंदे, महेश चव्हाण और अमित डोलस की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। उत्सव के दौरान पुलिस परिवार के गायकों ने बुद्ध वंदना और भीम बुद्ध गीतों का एक कार्यक्रम और एक रंगोली प्रतियोगिता के साथ साथ बच्चों के लिए एक नृत्य प्रतियोगिता का प्रदर्शन किया। समारोह का संचालन रज्जू तिवारी ने किया। महोत्सव के दौरान अमन बैंड एवं कार्यक्रम समूह ने बुद्ध भीम गीतों का ज्ञानवर्धक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया। महाऊर्जा के तहत नागपुर में 230 विभिन्न स्थानों पर सौर ऊर्जा उपकरण वितरित किए जाएंगे। इसी क्रम में उत्तर नागपुर में माता वेलांकनी चर्च, मार्टिन नगर, जरीपटका, बंदे नवाज नगर, नई बस्ती टेकानाका, बुनकर कॉलोनी, अशोक नगर में सौर ऊर्जा उपकरणों का उद्घाटन पालक मंत्री डॉ. नितिन राउत ने किया। पालक मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों की कमी के कारण बिजली उत्पादन कम हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप बिजली की अपर्याप्त आपूर्ति हो रही है। इसके उपाय के रूप में सौर ऊर्जा का उपयोग समय की मांग है। इस मौके पर रेखा सूर्यवंशी, शौकत अली, इमरान खान, शब्बीर अहमद समेत बड़ी संख्या में नागरिकगण मौजूद थे। नागपुर महानगर पालिका के टीकाकरण केंद्रों पर प्रतिदिन टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए मनपा के सभी टीकाकरण केंद्रों पर आज केवल कोवैक्सीन टीका उपलब्ध होगा। टीका सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक दिया जाएगा। टीकाकरण के लिए पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से किया जा सकता है। साथ ही निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण के लिए जाते समय एक पंजीकृत मोबाइल फोन और पहचान पत्र साथ में रखने की अपील की गई है। लक्ष्मी नगर जोन में कामगार नगर UPHC, कामगार कॉलोनी सुभाष नगर एवं जैताला UPHC जैताला में आज कोवैक्सीन का टीका उपलब्ध है। धर्मपेट जोन में फुटाला UPHC, अमरावती रोड गली नंबर 3, सुदाम नगर UPHC, पांड्राबोड़ी हिलटॉप, KT नगर UPHC, KT नगर हजारी पहाड़ UPHC, हजारी पहाड़ डिक डिस्पेंसरी VIP रोड धर्मपेट एवं इंदिरा गांधी अस्पताल गांधीनगर में आज कोवैक्सीन का टीका उपलब्ध है। हनुमान नगर जोन में मानेवाड़ा UPHC, शाहू नगर, नरसाला UPHC, नरसाला, हुडकेश्वर UPHC, हुडकेश्वर में आज कोवैक्सीन का टीका उपलब्ध है। इसी तरह धंतोली, नेहरू नगर, गांधीबाग, सतरंजीपुरा जोन, लकड़गंज जोन, आसीनगर जोन और मंगलवारी जोन में मनपा के टीकाकरण केंद्रों में आज कोवैक्सीन का टीका उपलब्ध है। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए VKB न्यूज़। नमस्कार।